हेलो स्टूडेंट्स, हमने आज करना है रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट एंड ईएमएफ ई नॉट सेल, या ईएमएफ भी बोल देते हैं, ई नॉट सेल भी बोल देते हैं ऑफ अ सेल। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है। तो इक्वेशन इज दिस डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एफ हमारे पास क्या है, तो सभी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ई नॉट सेल जो है हमारे पास, ये क्या है, वही ई कैथोड माइनस ई एनोड वाले फॉर्मूला निकाल के हम निकालते हैं, जो वही है ई नॉट सेल, मतलब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब के 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, और हमारे पास वन बार प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन टू बोथ साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल एंड रिडक्शन ऑफ सेल दोनों साइड जो है वो कितना होना चाहिए, वन मोलर होना चाहिए। तो हमारे पास सेल क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड जो है रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास बन जाता है, और स्टैंडर्ड ईएम ऑफ द सेल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट के निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो एन का बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ क्या है हमारे पास, फेराडे कांस्टेंट है। तो फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 96500 कूलम पर मोल, 96500 कूलम पर मोल, ये हमारे पास एफ की वैल्यू है, ये जो एफ है फेराडे कांस्टेंट है इसकी, ठीक है। तो डेल्टा जी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, -2.303 आरटी लॉग के। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, के क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के। तो आर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, टी इज़ द टेम्परेचर, आर इज़ द गैस कांस्टेंट। तो ये आपके पास गिवन वैल्यूज़ होंगी। तो हम डेल्टा जी नॉट ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता हो। तो हम अगर डेल्टा जी की वैल्यू पता हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यहाँ से निकाला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको एक बार देख लो कि देखो हमने निकालना है के। तो के निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ा, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी पड़ी, माइनस एन एफ ई नोट सेल की लगा के, मतलब के यहाँ इलेक्ट्रॉन टू है, यहाँ एन की वैल्यू, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी, और हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू जो हमें गिवन थी, तो हमने डेल्टा जी नोट निकाल लिया। डेल्टा जी नोट निकाल के हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल के K की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो वही फाउंड आउट द के, तो यहाँ लॉग के है जो हमारे पास इजिकल टू 7.98 आया, इसका मतलब है हमें के का एंटी लॉग निकालना पड़ना था। तो के का एंटी लॉग जब निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 95.6 × 10⁶, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यू हैव टू मस्ट नो द लॉगरिदम वैल्यूज़। तो लॉगरिदम वैल्यूज़ को पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉग कैसे निकालते हैं, देन यू कैन फाइंड ऑल्सो द आंसर ऑफ के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।